मैं सबसे पहले विवेकानंद मेडिकल मिशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आज परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के कर कमलों द्वारा जहां एक और हृदय रोग चिकित्सा सेवा केंद्र का लोकार्पण हुआ है, वहीं इस संस्था के सुवर्ण महोत्सवी वर्ष का भी प्रारंभ हुआ है। और इन 50 सालों का ये जो प्रवास है, इसका एक प्रकार से सिंहावलोकन डॉक्टर दिलीप गुप्ता जी ने यहां पर किया। किस प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए अभाव में भी सेवा का भाव कभी कम नहीं हुआ, और धीरे धीरे आज इस स्वरूप में ये केंद्र यहां पर खड़ा है और निरंतर गरीबों की, सामान्य लोगों की सेवा कर रहा है। मुझे याद है हम जब बाल स्वयंसेवक थे और यहां पर शिविर के लिए आते थे, उस समय पहले नागपुर रेलवे स्टेशन पर जाते थे और ट्रेन में बैठकर हम यहां पर आते थे। उस समय ये दूसरा गांव लगता था, गांव तो था ही, लेकिन नागपुर से दूसरे गांव जा रहे हैं, इस प्रकार का भाव लगता था। बीच में कुछ था नहीं। आज तो हम लोग शहर कब समाप्त होता है, खापरी कब लगता है, ये ध्यान में नहीं आता। एक प्रकार से शहर का भाग वो हुआ है, लेकिन उस समय जब यहां पर खापरी गांव और आसपास के गांव ये पूरे गांव के स्वरूप में हुआ करते थे, आज भी स्वरूप गांव का है लेकिन पूर्ण गांव का स्वरूप था, ऐसे समय यहां पर परम पूजनीय बाळासाहेब देवरस जी, इनकी प्रेरणा से इस कार्य की शुरुआत हुई। और नाना साहेब जी ने जिस प्रकार से एक टीम को तैयार किया और धीरे धीरे करके इसको खड़ा किया, और उसके बाद का जो सारा इतिहास डॉक्टर गुप्ता जी ने हमारे सामने रखा है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो बहुत ही प्रेरणादायी है।